Hello, dear aspirants. So I'm sure you people are enjoying the concept talks. Uh, as we never deviate from our path, from our way to address the demand of CSE and Forest Services, right? Because these videos, these concept talks has no meaning until unless those are not tilted towards addressing the preparation of mathematics optional. So that is the beauty of the topics which we pick here. We try to align those according to demand of exam and how we align. We study the topic systematically, and after that, we analyze properly the PYQs. And I'm sure till now you people have enjoyed this concept talk. So today we are coming up with a you can say a simple topic, but I'm pretty sure the blunders, the mistakes you can do in this topic, those are enormous. So never underestimate any topic, be it easy or tough, because when you comes on decoding the topic, then only you will realize ki, what actually the depth is needed. Depth doesn't mean the hardness. Depth means you are able to connect the different dots or not. So when you talk about the normal subgroup, so the very first point is whether you visualize it right do you visualize are you clear about the definition and you know on what groups the definition can give the best results where the visualization can help you at the most so what points you have missed we will try to rectify dots here yes. we'll try to do the associated results okay which will be indirectly useful in addressing questions right so from here we may have direct questions सी एस सी एंड फॉरेस्ट सर्विसेस बोथ फिर चलिए तो कहने का मतलब जब हम कॉन्सेप्ट टॉक की बात करते हैं तो हम एक टॉपिक को बिल्कुल डिकोड करने की कोशिश करते हैं उस टॉपिक का फ्रॉम द डेफिनेशन टिल द लास्ट क्वेश्चन एड्रेसिंग ये पूरे कॉन्सेप्ट टॉक का पर्पज होता है राइट right? तो आज हमारा जो पर्पज है वो नॉर्मल सब ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा है जो नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन मुझे बता सकता है <laughs> या क्या मतलब कैसे ये कनेक्ट हुए होंगे क्या नॉर्मल सब ग्रुप को सब ग्रुप से पहले पढ़ा जा सकता था और नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा आर यू गेटिंग द पॉइंट पहले डियर फेलोज वेन आई टॉक अबाउट ध्यान से देखेंगे इस चीज को हमने जब कहानी स्टार्ट की तो स्टार्ट की लेट से आई हैव अ ग्रुप स्ट्रक्चर ठीक इफ आई हैव अ ग्रुप स्ट्रक्चर हियर आई कैन हैव subgroup ग्रुप ऑफ जी उस पर्टिकुलर जी का मान लो एक सब ग्रुप है एच ठीक कंपोजिशन हमने स्टार से डिनोट किया हुआ है अब मान लो ध्यान से देखना इस चीज को मान लो एच जो है एच के साथ कलाकारी क्या हो रही है कि मैं ध्यान से देखना आई कैन राइट कोसेट्स ऑफ

G two H and so on. We can write all possible cosets of H in G generated by all elements of capital G one by one Here. And if you are not aware about the coset theory, then don't miss the concept talk of coset theory because I have explained the things very well there. I am saying very well and systematically. दोल well. अब क्या हुआ मान लो ये जो कोसेट्स आपको दिख रहे हैं एच जीवन एच जी टू या जीवन एच जी टू एच टाइप ठीक क्या ध्यान से देखेगा अगर मान लो फॉर एनी पर्टिकुलर जी आई ऑफ द ग्रुप जी आई हैव दिस कंडीशन ठीक है क्या बोला ध्यान से पढ़ना इस चीज को द राइट कोसेट आप लोग यही चीजें नहीं पढ़ते हैं इसीलिए जिंदगी भर घूमते रहते हैं उसी चीज में ठीक है द राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई स्मॉल जी आई बिलोंग्स टू कैपिटल जी दैट इज सेम एज लेफ्ट कोसेट और इसको लिखने के पीछे मुझे भी लग रहा है आपको लग रहा होगा कि बच्चे की तरह मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन पहले ही कहा और आज तक तो आप इतना रूबरू हो चुके होंगे टीचर की सिस्टेमेटिक लर्निंग से कि वो स्टार्ट बच्चे की तरह करता है लेकिन खत्म एक बुजुर्ग की तरह करता है एक अनुभवी बुजुर्ग की तरह ठीक है लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई मॉल जी बिलोंग्स टू जी आई बिलोंग्स टू कैपिटल जी कहने का मतलब ध्यान से देखे आपके पास एक ग्रुप स्ट्रक्चर था आपने उसका एक सब ग्रुप लिया उस सब ग्रुप के उस ग्रुप में पॉसिबल कोसेट्स देखे क्या मिल रहे हैं अब आपने ये पाया आपने क्या पाया कि मान लो ईच लेफ्ट कोसेट सेम एज द राइट कोसेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव जनरेटर देन वॉट आई कैन से अबाउट द स्ट्रक्चर नाउ ठीक है अगर ये चीज होल्ड कर गई ठीक तो हम बोलेंगे देन एच स्टार इज टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ डी स्टार और एच इज नॉर्मल इन जी ये सेंटेंस भी लिखना सीखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज खुद में इतना ब्यूटीफुल है कि वो एक लाइन कई सारे इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन कर देती है सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप आपने वर्ड यूज कर दिया अकेले उसका कोई मीनिंग नहीं है नॉर्मल सब ग्रुप किसी ग्रुप का ही तो होगा तो जो नॉर्मैलिटी है वो चेक की जाएगी किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में और किसी ग्रुप नहीं उस ग्रुप का जिसका कि वो सब ग्रुप है आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल तो जब भी आज के बाद बोलेंगे मन में भी बोलेंगे तो ऐसे करेंगे एच नॉर्मल सब ग्रुप है क्या ऐसे नहीं क्या एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है या क्या एच नॉर्मल इन जी है लाइक like दैट तब आपको डेफिनेशन में इंटरेस्ट आएगा तब आपको आनंद आना शुरू होगा तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुली क्रोनोलॉजी को शो किया है ग्रुप कहने का मतलब अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना है तो उसके लिए एक सब ग्रुप चाहिए होगा अगर कोई सेट आपको दे रखा है सबसेट है मान लो एच जी का सबसेट है और एच सब ग्रुप ही नहीं बन रहा है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप तो सपना भी नहीं देख पाएगा <laughs> बात क्लियर है सबको भरोसा दिलाइए ये।, ये बात क्लियर है या नहीं एकदम चलिए अब आप कहेंगे कि सर आपका जो तरीका है विजुअलाइजेशन वाला वो बहुत मजा देता है सेपचुअल क्लैरिटी में चलो विजुअलाइज करते हैं आप ठीक मान लो कोई आपने ग्रुप ले लिया मान लो जो ग्रुप आपने लिया है वो ले लिया ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ओवर थ्री सिंबल्स विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बच्चा बनने से कभी मत डरिए ये स्त्री क्या है ग्रुप ऑफ ओवर थ्री और ग्रुप है तो उसका कोई कंपोजिशन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्योंकि यहां पे जो परम्यूटेशन होते हैं वो दोज आर नथिंग बट वन वन ऑन टू फंक्शन राइट चलिए दो सब ग्रुप लिए एक एच वन एक एच ले लिया विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन जहां एच जो है वो है आई सिग्मा टू ठीक मान लो के जो लिया जहां के जो है वो है आई टाउ वन टाव टू इसी को आप ए थ्री भी बोलते हैं यहां पर ठीक है अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मान लो एक और ले लिया एल जहां एल लिया आई ले लिया सिग्मा वन ले लिया सिग्मा टू ले लिया टाउ वन कुछ भी ले लिया एक जनरल ठीक अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया ध्यान से देखिए क्वेश्चन है अच्छा नॉर्मल सब ग्रुप को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से ठीक है जब ये ओपन रहता है तो सब ग्रुप को ठीक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो एच आपने लिया है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी में ठीक दूसरा क्वेश्चन क्या नॉर्मल सब ग्रुप के जो है वो नॉर्मल इन जी है क्या एल जो है वो नॉर्मल इन जी है ठीक चलिए अब आपने अगर कोसेट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड किया होगा तो फिर आपको ये क्लैरिटी होगी क्योंकि इस एग्जाम्पल पे हमने बेहतरीन काम किया था नहीं भी किया है तो फॉर द टाइम बीइंग सुन लीजिए और मान लेना कि मास्टर कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा ठीक है चलिए यहां पर आता है अब देखना ध्यान से अगर मुझे आंसर करना हो तो सबसे पहले देखेंगे एच इज सब ग्रुप ऑफ जी तो आप पाएंगे कि यस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी आप चाहें तो सब ग्रुप टेस्ट लगा के भी चेक कर सकते हैं दूसरा अगर आप चेक करें ध्यान से देखिएगा इफ यू चेक Uh, कोई भी एलिमेंट यहां से उठा ले अगर हम कि सिग्मा थ्री एच क्या होगा तो यू विल गेट सिग्मा थ्री कंपोजिशन आई सिग्मा थ्री सिग्मा टू ठीक है यू विल फाइंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू एच सिग्मा थ्री और एच सिग्मा थ्री जो है क्योंकि सिग्मा टू कंपोजिशन सिग्मा थ्री और सिग्मा थ्री कंपोजिशन सिग्मा टू अलग अलग एलिमेंट्स देकर जाते हैं टाव वन एंड टाव टू राइट और नॉट विश्वास दिलाइए सारे लोग तो कहने का मतलब फॉर वन एलिमेंट द लेफ्ट कोसेट इज नॉट इक्वल्स टू राइट कोसेट तो वायलेट कर गया एच कैन नॉट बी नॉर्मल इन जी बोलिए एच सब ग्रुप तो है लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी नहीं कोई दिक्कत अगर मैं सिम से, सेम चीज को के पर अप्लाई करना चाहूं तो आंसर नंबर टू के लिए बी हियर देखिए ध्यान से हम जानते हैं ए थ्री इज अ सब ग्रुप ऑफ एस थ्री तो जो के है वो सब ग्रुप हो गया जी का दैट इज फेयर एनफ ऑल्सो वी हैव ऑब्सर्वड की अगर मैं आई ए थ्री या के, के साथ कर रहे हैं तो आई के इज सेम एज के आई सिग्मा टू के सिग्मा वन इफ यू राइट सिग्मा टू के दट विल कम आउट एज दिस इफ यू राइट दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन इन डिटेल्स इन द कोसेट थियरी वाला लेक्चर कहने का मतलब ईच लेफ्ट कोसेट इज सेम एज द राइट कोसेट जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर एलिमेंट तो व्हाट विल बी द आंसर तो इसके बेस पर वट यू कैन से ए थ्री या जो आपने के ले रखा है के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी अगर आप एल को ऑब्जर्व करेंगे एल इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी तो एल कैन नॉट बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे चमक गया कि नॉर्मल सब ग्रुप सॉरी सब ग्रुप नहीं है एल जी का तो जो लोग कॉन्सेप्ट टॉक्स रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं उनको भी ये चमकने में बहुत देर नहीं लगी होगी इतना तो मेरा विश्वास कहता बोलिए हाँ या ना अरे बोलो <laughs> क्योंकि अगर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में स्त्री की बात करें तो टाउवन का इनवर्स टाउ टू मिलता है तो अगर इसके पास अगर इसको सब ग्रुप होना पड़ेगा तो फिर टू को भी अवेलेबल करना पड़ेगा और टाउ टू है नहीं एल के अंदर अब आप कहेंगे सर टाउ टू लिख दीजिए तो क्या सब ग्रुप बन जाएगा जब आप टाउटू लिख देंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर इन कंपोजिशन को कंपोज करने पर हो सकता है आपको सिग्मा थ्री मिल रहा हो और सिग्मा थ्री इसके अंदर है नहीं अब आप कहेंगे सर सिग्मा थ्री भी लिख दें तो क्या हो जाएगा तो मैं कहूंगा वो वापस से एस थ्री बन जाएगा <laughs> और ग्रुप खुद का सब ग्रुप हमेशा होता ही है इज दैट क्लियर और नॉट किसी को कोई डाउट तो अगर कोई ग्रुप की बात की जाए तो द ट्रीवियल आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जो केवल सब ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल होगा दूसरी चीज ग्रुप खुद के साथ तो नॉर्मल हमेशा होगा ही तो आर कॉल्ड नॉर्मल सब वेन आई टॉक अबाउट द सिस्टमेटिक लर्निंग डियर फेलोज आई नेवर हेजिटेट फ्रॉम विजुअलाइजिंग द थिंग्स तो यहां के थ्रू मैंने जो काम स्टार्ट किया था कैसे कनेक्ट डॉट करते हुए मैं यहां पहुंचा प्योर मैथ्स की ब्यूटी कह लो या किसी के लिए प्रॉब्लम कह लो यही है कि वो इतना एब्स्ट्रैक्ट नजर आएगा डेफिनेशन में कि आपका मन ही नहीं करेगा आप अल्टरनेटिव्स खोजने लगते हैं बोलिए हाँ या ना खोजते हैं ना जब आपको मैंने एक एग्जांपल से नॉर्मल सब ग्रुप्स दिखाने की कोशिश की तो अब आपकी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी कि नहीं यार इन, इन ये तो बहुत ब्यूटीफुल है यार राइट और नॉट आगे बढ़े अभी तो ये विजुअलाइजेशन पार्ट हुआ अब होता है कि सर क्या ऐसे करके सबके कोस लिखते रहेंगे जिंदगी इसी में व्यतीत हो जाएगी नॉट एट ऑल देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप क्या है डेफिनेशन तो डेफिनेशन अगेन बहुत आराम से एकदम बच्चे की तरह करेंगे देखिए ध्यान से सब ग्रुप अगर नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना है तो पहले एक सब ग्रुप तो उठाना पड़ेगा ठीक तो लेट एच स्टार बी सब ग्रुप ऑफ जी स्टार ठीक बात है अब आगे बढ़ते हैं देन एच star इज सेट टू बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ star। स्टार ध्यान से देखते रहना। H star is said to be a normal subgroup of G star if G composition H composition G inverse that belongs to capital H again for all G belongs to G and a small h belongs to. अगर आप इसको थोड़ा सा बड़े परस्पेक्टिव में देखें तो ये कुछ कुछ G कैपिटल H इक्वल्स एच कैपिटल G टाइप का ही कहानी बयां करता है और कुछ नया नहीं है इसके अंदर G H G इनवर्स जो है वो कैपिटल H के अंदर है इसी को अगर आप फर्दर इंटरप्रेट करना चाहें तो यू कैन इंटरप्रेट दिस लाइक दिस यू कैन इंटरप्रेट इक दिस क्लियर है बात कोई तनाव किसी को एनी वन चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों अगर आप इस डेफिनेशन में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कभी आपको चमका नहीं क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखा क्यों क्योंकि आपको विजुअलाइज नहीं कराया गया कभी डेफिनेशंस को तो मैं तो ऐसा करता नहीं हूं मैं तो कराऊंगा चलिए प्यारे बच्चों बी ऑन द बोर्ड प्लीज लेट्स विजुअलाइज द डेफिनेशन तो क्या करेंगे कोई क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल उठाते हैं मान लो मैंने ग्रुप जो उठाया जी स्टार वो उठा लिया जीएलटू आर आर यू पीपल अवेयर अबाउट जीएल टू आर क्या होता है इफ यू हैव मिस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप देन इट इज हाईली सजेस्टेबल क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट कैटेगरी है ये और बहुत सारे पी आपको इसके ऊपर दिख जाएंगे तो चूंकि कॉन्सेप्ट टॉक्स को हम इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश करते हैं तो फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूं दिस इज ग्रुप ऑफ ऑल सॉरी ग्रुप ऑफ ऑल टू बाई टू रियल मैट्रसेस विथ नॉन जीरो वैल्यू ठीक है कहने का मतलब जीएल टू आर के अंदर वो मैट्रसेस आ रहे हैं जो जिनकी एंट्रीज रियल है टू बाई टू के मैट्रसेस है और उनका डिटर्मिनाट वैल्यू है नॉन जीरो अगर आप उसको जी एल टू आर लिखना भूल गए होंगे तो लिख सकते हैं दिस इज द कलेक्शन ऑफ टू बाई टू रियल मैटरसेस वेयर ए आई जे इज सम रियल नंबर एंड डिटर्मिनाट ऑफ ए इज नॉन जीरो ठीक तो मान लो हमने ये ग्रुप ले लिया अब आपने कहा सर इसका सब ग्रुप क्या लोगे सो वी नो दैट एस एल टू आर क्या ले लिया मैंने और ये सिंबल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रसेस की बात कर रहा हूं दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओके डियर फेलोज चलिए तो अगर आपको वी नो दैट अगर आपको नहीं पता है तो सब ग्रुप कॉन्सेप्ट टॉक जरूर अटेंड करें एस एल टू आर जो होता है वो जी एल टू आर का सब ग्रुप होता है क्या होता है सब ग्रुप होता है और बहुत इजी है स्टेप टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगा के वन स्टेप जिससे भी आप चाहें आप इसको प्रूफ कर सकते हैं <laughs> 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 बहुत आसान है कि नहीं अरे यार एस एल टू आर के अंदर कोई दो एलिमेंट उठा लो लेट ए बिलोंग्स टू एस एल टू आर बी बिलोंग्स टू एस एल टू आर अगर A SL2R में है, तो उसका determinant होगा one, क्योंकि दिस इज द स्पेशल कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस विद द विदिटर्मिनेंट वैल्यू वन दिस इज एस एल टू आर क्या होता है दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस जिनका की डिटर्मिनाट वैल्यू है वन इसके GL2R टू आर के अंदर नॉन जीरो जीरोल टू आर के अंदर डिटर्मिनाट क्लियर कोई दिक्कत यहां तक आई होप नो अगर बी एस एल टू आर के अंदर है तो उसका डिटर्मिनाट तो डिटर्मिनाट ऑफ ए बी इनवर्स अगर मैं चेक करूं सो दैट इज डिटर्मिनाट ऑफ ए दिटर्मिनाट ऑफ ए इंटू वन अपॉन बता दिया <laughs> नाउ वी आर इंटरेस्टेड नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन एस एल टू आर क्या जी टू आर का नॉर्मल सब ग्रुप भी है <laughs> जो कि आज के कॉन्सेप्ट टॉक का मुख्य मुद्दा है विजुअलाइजिंग नॉर्मल सब ग्रुप्स यही तो मुद्दा है ना और कोई मुद्दा है कहिए चलो अब देखो अब अगर जीएल टू आर को आप ऑब्जर्व करें तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस लिखी जा सकती है ना टू बाई टू की जिनका डिटर्म वैल्यू नॉन जीरो हो। तो अब और एस एल टू आर के पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखे हुए हैं तो जो मैंने पिछले वाले स्टेप में कोसेट्स को लिख को लिख के देखा था वो अगर मैं जीएल टू आर और एस एल टू आर के लिए करने लगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा इस जिंदगी में तो नहीं कर पाऊंगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट मुस्कुराइए यू आर प्रिपेयरिंग इन राइट वे चलिए नाव आई एम इंटरेस्टेड इन की वेदर एस एल टू आर इज अस नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जीएल टू आर इसका आंसर कैसे मिलेगा अब डेफिनेशन पर जाइए आप डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अगर मैं जी एच जी इनवर्स को वापस से एच में दिखा दू तो काम हो जाएगा यही तो कह रहा है चलिए आंसर करते हैं इसका देखना ध्यान से इस चीज को मान लो स्मॉल जी लिया जी एल टू आर में दिस इंप्लाइज डिटर्मिनाट ऑफ जी इज नॉन जीरो एंड स्मॉल जी इज एन मैट्रिक्स आप चाहें तो उसको कैपिटल ए बी सी से रिप्रेजेंट कर लीजिए नॉट एन इश्यू एट ऑल जी इनवर्स अगर जी एल टू आर में है तो डिटर्मिनाट ऑफ जी इनवर्स भी है नॉन जीरो मान लो एच हमने एस एल टू आर में ले लिया दिस इंप्लाइज डिटर्मिनाट ऑफ एच इज वन मैं यह जानना चाहता हूं कि जी एच जी एनवर्स भी एस एल टू आर में होगा क्या <laughs> मैं यह जानना चाहता हूं कि जी एच जी एनवर्स भी एस एल टू आर में होगा क्या <laughs> तो मुझे क्या जानना होगा कि जी एच जी एनवर्स टू बाई टू का ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनाट वन आ रहा है तो ही तो एस के अंदर जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा तो जी एक टू बाई टू की मैट्रिक्स है एच टू बाई टू की मैट्रिक्स है जी इनवर्स भी टू बाई टू की मैट्रिक्स है तो जी एच जी इनवर्स भी टू बाई टू की मैट्रिक्स मिलेगी कि नहीं अब इसका अगर डिटर्मिनाट वैल्यू मुझे वन मिल जाए तो द जॉब इज डन बोलो हाँ या ना तो डिटर्मिनाट ऑफ जी एच जी डिटर्मिनाट ऑफ ए बी सी कैन बी रिटर्न एज डिटर्मिनाट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनाट ऑफ बी अब ये डिटर्मिनाट ऑफ जी इंटू डिटर्मिनाट ऑफ एच दिस कैन बी रिटर्न एज डिटर्मिनाट ऑफ वन अपॉन एंड दैट कम्स आउट एज वन योर आंसर इज यस तो हियर योर आंसर इज यस बोलिए कितना तनाव का खेल है बताइए जरा नॉर्मल सब ग्रुप कितना तनाव का खेल है आज मुझे यही बता दो आप लोग <laughs> कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी क्लियर है अभी बात तो नॉर्मल सब ग्रुप को विजुअलाइज किया उसकी डेफिनेशन पढ़ी डेफिनेशन को विजुअलाइज किया थ्रू एन एग्जाम्पल नाउ यू कैन चेक योर पी वाई क्यूज वेदर यू आर प्रिपेयरिंग इन अ राइट वे और नॉट लेकिन मेरा एक इंटरेस्ट और बाकी है अभी तो जस्ट एन ऑब्जर्वेशन है? कुछ ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं क्या ऑब्जर्व कराना चाह रहे हैं आप लेट इफ एच स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ जी स्टार एंड जी इज एन अबेलियन ग्रुप तब क्या कहानी बनेगी नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में लेट इफ जी स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप ठीक और मैं ये क्यों बोल रहा हूं क्योंकि पॉसिबल सब ग्रुप्स ऑफ जेड ट्वेंटी जेड टेन जेड ट्वेल्व के बारे में खूब यूपीएससी इंटरेस्ट लेता है और अब की बार लगे हाथ पॉसिबल नॉर्मल सब ग्रुप अगर पूछ दिया तो क्या ढल झोल <laughs> तो क्या वहां पर झाल बजाइएगा <laughs> समझना पड़ेगा इसको भी तो अगर मान लो जी स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप देन अगर मैं कोई भी एच जी लिखूं तो दिस विल बी एच कंपोजिशन जी टाइप जहां एच एच का एलिमेंट है क्योंकि जी इज एन अवेलियन ग्रुप तो कैपिटल H के एलिमेंट्स तो जी से ही आ रहे हैं तो दोज विल कम्यूट ये क्या लिख दिया आपने जी <laughs> <laughs> बोलो कोई तनाव दैट इज इफ जी इज एन अवेलियन ग्रुप देन एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी फॉर एग्जाम्पल विजुअलाइज करने से नहीं चुकेगे मान लो राइट ऑल पॉसिबल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जेड सिक्स तो वट विल बी द आंसर क्योंकि जेड सिज एन अबेलियन ग्रुप सो ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जेड सिक्स आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जेड सिक्स कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा सा कि आपने हमसे पॉसिबल नॉर्मल सब ग्रुप पूछे थे लेकिन उसका आंसर वही होगा जो कि सब ग्रुप्स होंगे जेड सिक्स के तो इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट कि कैसे सब ग्रुप लिखना है देन प्लीज डू अटेंड द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ सब ग्रुप्स बट फॉर द टाइम बिंग तो पॉसिबल सब ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट टॉक सब ग्रुप्स के अंदर मैंने ये लिखना बताया है तो कौन कौन से सब ग्रुप्स मिलेंगे जीरो दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप दूसरा जेड सिक्स खुद क्योंकि ग्रुप अपना नॉर्मल खुद हमेशा होगा ठीक है एक एच मिल जाएगा आपको जीरो टू फोर वाला एक एच मिल जाएगा जीरो टोटल फोर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जेड सिक्स मिलेंगे क्योंकि टोटल सब ऑफ़ जेड सिक्स इट कि चीजें क्लियर हैं या नहीं सब ग्रुप्स की आज हमने जब कहानी स्टार्ट की तो आपको यही बताया कि विजुअलाइजेशन इज द की राइट मैथमेटिकल लैंग्वेज बिकम्स अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर फॉर यू इफ यू स्टार्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप पूरी बात को कहना सीखिए <laughs> आधी अधूरी बात जो है ना वो काम की नहीं रहती बोलो हाँ या ना अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि सर नॉर्मल सब ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ और भी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि आज इतना कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ नॉर्मल सब ग्रुप्स मुझे आता है देन डोंट फॉरगेट टू पुट योर व्यूज डोंट फॉरगेट टू पुट योर डिमांड्स इन द कमेंट सेक्शन आई विल डेफिनेटली सी दो एंड विल कम अप विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक तो ईगरली वेटिंग फॉर रिव्यूज कीप लर्निंग गुड लक